देखो सब बच्चे जितने जो ट्राई कर रहे हैं करते रहिए, बाकी इधर देख लीजिए, चेक कर लीजिए आपकी कैलकुलेशन। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है चैप्टर 14 का, एक्सरसाइज 14.1 का। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई पहले जो है आप अपनी वर्टिकल टेबल फॉर्म कर लीजिए, जो कॉलम्स गिवन है। तो आपके पास अगर वर्टिकल टेबल आप बनाएंगे तो आपके पास क्या गिवन है, आपको डेली वेजेस गिवन है। ठीक है, मैं इसको कहता हूं कि ये हमारी क्लास गिवन ग्रुप्स। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है 502, 520 एंड 522, 540 एंड 542, 560, 562, 580 एंड 582, 600। तो ये आपके पास क्लासेस गिवन है और आपके पास इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कि भाई डेली वेजेस जो 500 से 520 मिलता है वो कितने वर्कर्स को मिलता है। तो जब कितने वर्कर्स को मिलता है तो वो हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। तो ये हमारे पास दिया हुआ है नंबर ऑफ वर्कर्स, तो इसको हम कहेंगे एफ। तो ये दिया हुआ है 12, 14 एंड 8 एंड 6 एंड 10। प्लीज ध्यान से देखिए, मुझे इस टेबल की कोई जरूरत नहीं है। अब यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, हमने सिर्फ अपने डेटा को टेबल को ऐसे लिख लिया। अब सबसे पहला पार्ट जो हमें करना है अपनी टेबल से वो क्या करना होता है, कोई बताएगा? हाँ भाई, सबसे पहला पार्ट क्या करना होता है? एक्स फाइंड, एक्स क्लास मार्क, जो भी आपके पास क्लासेस दिए हुए हैं, ठीक है, उसका मिड पॉइंट। तो जैसे पहला वाला जो क्लास है वो 500 से 520 है, तो मुझे 500 से 520 का मिड पॉइंट चाहिए। तो हमारे पास आपका एक तो चीज मैंने बहुत बताया कि भाई दोनों को लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 500 प्लस 520 1020 आएगा। ठीक है, जो क्लास साइज निकालते हैं वो 500 प्लस 520 बाय 2, तो वो जाएगा 1020 बाय 2। आप 2 से 5 जा, 2 1 जा, तो 510 आएगा। फिर आपको दूसरे वाला जो क्लास साइज लेना है उसका क्लास मार्क निकालना है, तो आपके पास है 520 प्लस 540 बाय 2। और सब बच्चों को इसमें टाइम लगा होगा, मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ अभी। तो ये हो जाएगा 1060, 2 5 जा 10, 2 3 जा, तो ये हमारे पास आ गया। तो ये आएगा 530, तो ये आ गया 530। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ आप ऐसे मत किया करो, ठीक है, हर उसमें कॉलम में टाइम लगेगा। आप तो सिर्फ ये देखो सब बच्चे कि 520 और 500 में जो गैप है वो 20 का है। कितने का गैप है? 20। इस 20 का हाफ कर लो, तो 20 का हाफ कितना हो गया? 10। तो 10 को लोअर लिमिट में प्लस कर दो, तो लोअर लिमिट पहले वाले की कितनी है? 500। तो 500 में 10 करोगे तो 510 आएगा। ठीक है, तो पहले वाला 510 आ गया। दूसरे वाले में भी क्लास साइज 20 का ही है, 20 का हाफ 10, तो 520 में 10 ऐड करोगे तो 530 आएगा, 540 में 10 ऐड करोगे तो 550 आएगा, 560 में 10 ऐड करोगे 570 आएगा, 580 में 10 ऐड करोगे तो 590 आएगा। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है, आपसे कहा था अगर यहाँ 20 का गैप है, यहाँ 20 का गैप है, यहाँ 20 का गैप है, फिर ध्यान से देखो यहाँ भी 20 का ही गैप होगा। तो सब में 20 ऐड करते चले जाओ, 510 प्लस 20, 530, 550, 570, 590। ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? Yes, sir. तो आपको कैलकुलेशन ही से तो बचना है। हमारे पास जो है हमें सिर्फ कैलकुलेशन से ही बचना है कि कितनी जल्दी से हम अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं एक्स। अब हमें क्या करना होता है, हम कर रहे हैं एज्यूमिन मेथड से। ये जो हमारे पास एक्स आया है इसमें से किसी एक डेटा को ए मान लेते हैं। तो अगर ए मान लेते हैं तो अब हमें करना है एक्स माइनस ए। तो 510 में से अगर 550 माइनस करेंगे तो 40 आएगा, 530 में से माइनस करेंगे 550 को तो 20 आएगा,
फिर 550 में से 550 माइनस करेंगे तो जीरो आएगा, x माइनस a ध्यान रखना, तो x हमारा जैसे मान लीजिए 570 है और हमें a माइनस करना है 550, तो 570 माइनस 50 अब प्लस में आएगा 20, और फिर आएगा 590 माइनस 550 40। मैंने आपसे लास्ट उसमें भी क्वेश्चन में भी कहा था कि आपके पास जो क्लास साइज है, क्लास साइज कितना है भाई हमारे पास, क्लास साइज कहते हैं जो हमारे पास, हाँ यस, जो हमारे पास क्लास में जो इंटरवल है उसमें जो डिफरेंस आ रहा है तो 20 का डिफरेंस है। तो ध्यान से देखो ये हमेशा 20 के मल्टीपल्स होने हैं, जिसको आपने एज्यूम किया है ए, उसके सामने वाला तो जीरो आएगा, ऊपर जाएंगे 20 के मल्टीपल्स माइनस में, 20, 40, 60, 80 माइनस में, और नीचे जाएंगे 20, 40, 60 प्लस में, प्लस में। तो बगैर सोचे समझे आप लिख सकते हो, कोई ऐसी टेंशन नहीं है इसमें, जब आप करने लगोगे प्रैक्टिस ये। तो हमारे पास ये आ गया डी, अब हमें सीधा सीधा एफ इंटू डी निकालना, एफ इंटू डी। तो मैंने आपसे कहा था लास्ट क्वेश्चन में भी कि अब आप यहीं पे कंफ्यूजन होता है, यहीं पे हम गलती से एफ इंटू एक्स कर देते हैं, जबकि इस मेथड में हमें एफ इंटू डी निकालना था। तो आपको सिर्फ एफ का ध्यान रखना है कि भाई ये हमारा एफ है, और आपको सिर्फ डी का ध्यान रखना है कि भाई ये हमारा डी है, बाकी सबको भूल जाइए। तो कैसे आप कैलकुलेशन करोगे, आपके पास हो जाएगा आपके पास हो जाएगा 12 4 जा 48, जीरो तो आ ही जाएगा, 14 2 जा 28, ये तो जीरो ही आना है, 6 2 जा 120, 6 2 जा 12 और 4 10 जा 40। ठीक है, तो जो मैं पहले आपको समझा रहा था देख लीजिए, यहाँ पे इधर देख लीजिए आप सब बच्चे, कि जरूरत नहीं है कि कोने में जाके प्लस करो, कैसे करोगे आप सब बच्चे देखो जरा ध्यान से, प्लस में हमारे पास 400 है और माइनस में हमारे पास 480 है, तो माइनस का कितना बचा भाई, समझ में आ रहा है? जरूरी नहीं कि आप पहले माइनस वाले प्लस करो, फिर प्लस वाले प्लस करो, फिर उन्हें माइनस करके देखो, दिमाग से सोचा करो कि कितना तेज कर सकते हो। अब इसी तरह से हमारे पास क्या है, ये 280 माइनस का है और 120 हमारे पास प्लस का है, तो अब अगर आप सोच सक पाओगे तो 160 माइनस का बचेगा, यस और नो? यस। तो 160 और 80 कितना हो गया, 240, तो यानी कि 240 हमारे पास माइनस का एक्स्ट्रा है। तो आपकी मर्जी है बेटे कि आप कैसे सोच पाते हो, सिग्मा एफ कर लो आप अपना, तो सिग्मा एफ करोगे आप 12 और 14 26 और 8 34, ठीक है, 34 6 40 और 10 50, तो चलो ये भी एक अच्छी फिगर है, 50 इजी हो जाता है। तो अब फॉर्मूला आपके पास क्या आएगा, बार एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ प्लस ए, तो सिग्मा एफ डी आया था आपके पास 240, सिग्मा एफ आया है आपके पास 50, और प्लस ए जो है जिसको आपने एज्यूम किया था वो आपके पास था 550 आपके पास। तो मैंने आपसे कहा है एलसीएम नहीं लेना है, 550 को अलग ही रखना, बाकी को डेसिमल में कर दो। डेसिमल में कैसे करोगे भाई, जीरो से तो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से 4 टाइम्स 20 हो जाएगा, पॉइंट लोगे तो 40 हो जाएगा, 4.8 माइनस में, तो 550 में से 4.8 माइनस करो तो आपके पास क्या आएगा, 545.2, यस और नो? हाँ भाई, सब बच्चों का यही आंसर आ रहा है? यस सर। किसी बच्चों का आया ये आंसर, सबका आ गया? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो ये हमारा कहलाता है एज्यूम मीन मेथड। इसको अब और इजी करते हैं, इसको अब एक नेक्स्ट मेथड से लेते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। तो तीन मेथड है आपके पास, क्या कह रहे हैं, जोर से बोलिए। वन मोर क्वेश्चन आपको दो करने के लिए,